अपने कारनामे को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बनी महिला पुलिस अधिकारी तान्या राय पर गांज गिर गई है। वायरल वीडियो पर नजर पड़ने के बाद सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक्शन लेते हुए पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन की LASI महिला पुलिस अधिकारी तान्या राय को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि 40 नंबर वार्ड अंतर्गत एक स्कूल मैदान में दो नाबालिग युवक और युवती बात कर रहे थे, तभी पिंक मोबाइल वैन पेट्रोलिंग के दौरान वहां पहुंची। आरोप है कि इस दौरान पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन में सवार महिला पुलिस अधिकारी तान्या राय ने नाबालिग युवक और युवती की पिटाई कर दी, जिसे देखकर मौके पर मौजूद स्थानीय लोग गुस्सा हो गए। लोगों ने महिला पुलिस अधिकारी को घेर कर विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि लोगों के आक्रोश को देखते हुए पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन वहां से निकल गई, लेकिन ये पूरी घटना वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। इतना ही नहीं, महिला पुलिस अधिकारी पर ड्यूटी के वक्त शराब पीने का आरोप भी लगा, जिसके बाद महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस विषय पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के DCP विश्वचंद्र ठाकुर ने कहा कि इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन से बीते कल LASI तान्या राय को हटाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार LASI तान्या राय पहले प्रधान नगर थाना में महिला कांस्टेबल थी। कुछ महीनों पहले ही प्रमोशन के बाद LASI बनी। इधर महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन शुरू होने के बाद वेस्ट जोन अंतर्गत पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन में तान्या राय को तैनात किया गया। बताया गया है कि इस घटना के बाद समस्त पुलिस कर्मियों को किसी तरह की लापरवाही एवं पब्लिक के साथ गलत व्यवहार नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसका पहले तो आप लोग कोई इज्जत नहीं। अभी इसका पहले दादागिरी मार रहा था, अभी नहीं आएगा। आप लोग को लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए।